सिंगरौली में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने झूठ बोले कौवा काटे अभियान की शुरुआत की है। इस कड़ी में भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद चौबे ने प्रेसवार्ता कर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया। वहीं अभियान पर कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अभियान अत्यंत ही हास्यास्पद है और लगाए गए आरोप मिथ्या है। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी के द्वारा मध्य प्रदेश में झूठ बोले कौवा काटे अभियान का शुभारंभ किया गया है। उसी के तहत आज हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर के जिले में भी इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व सरकार थी वो लगातार जो हमारे चुनावी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी चुनाव आने वाला है वहाँ पर ही जाकर के अब नए झूठ बोलने जा रहे हैं। तो हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका पुरजोर विरोध करेंगे, तख्तियाँ लेकर बैनर लगा करके पोस्टर लगा करके और उनसे पूछेंगे कि अब ये नया कौन सा झूठ बोलने के लिए मध्य प्रदेश की जनता के बीच में। उनका कार्यक्रम झूठ बोले काला कौवा काटे अत्यंत हास्यास्पद है एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोप मिथ्या है। यदि काला कौवा सबसे पहले काटने का काम करेगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को काटने का काम करेगा, जिन्होंने ये कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, 15 लाख खाते में आएंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने का काम करूंगा। जनता द्वारा किए गए सारे वादों पर वो निकम्मे साबित हुए हैं, हमारी सरकार को गिराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले इन्हें NH-39 पर प्रश्न अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, वो सड़कें इनके जनप्रतिनिधियों को चिढ़ाने का काम कर रही है। धन्यवाद। और इंदौर में आधुनिक